बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार पर आई सुनिधि चौहान ने घर वालों को दिया रियलिटी चेक। फराह खान ने एक बार फिर करवा दी विवेन और करणवीर की दोस्ती। करणवीर और विवेन डिसेना तोड़ देंगे ईशा अविनाश से रिश्ता। शिल्पा के साथ हुई करण और विवेन डिसेना के रिश्ता का सफाया। आखिर कैसे विवेन डिसेना के सामने आया अविनाश और ईशा का काला सच। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार पे इस बार बड़ी बड़ी रियलिटी चेक मिले हैं और कई सारे कंटेस्टेंट के रिश्ते तार तार हो गए हैं। रजत दलाल से लेके तेजेंद्र बग्गा हो, ईशा हो या फिर हो सारा अफरीन खान, सभी की पोल खोली है फराह खान ने और ये शो बन गया है द करणवीर महाराज शो। लेकिन इसी के साथ साथ फराह खान लेकर आ चुकी है सुनिधि चौहान को। सुनिधि चौहान आकर घर में एक नया और स्पेशल टास्क दे चुकी हैं। अब इस स्पेशल टास्क में कैसे विवेन डिसेना ही नहीं करणवीर के साथ भी शिल्पा के रिश्तों में आई दरार। दरअसल शिल्पा जी जो है वो दो नाव पर सवार है। शिल्पा जी ना ही विवेन को छोड़ना चाहती है और ना ही करणवीर को। जैसा कि आपको पता हुआ कि शिल्पा का तो ये मास्टर स्ट्रोक है कि वो विवेन के साथ भी रहेंगी, करणवीर के साथ भी रहेंगी और दोनों को यूज करके खुद ब खुद चली जाएंगी टॉप थ्री में। ट्रॉफी जीतने का पूरा मन बना लिया है शिल्पा शिरोडकर ने। लेकिन आखिर कैसे फराह खान ने कर दिया है पर्दाफाश। फराह खान ने शिल्पा से सबसे पहले कटघरे में पूछा कि फराह, जब विवेन डिसेना तुमसे अब रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? जब विवेन ने कई बार कह दिया कि तुम करण और विवेन के बीच में एक को चुनो तो आप क्यों नहीं चुन पा रही हो? मुझे लगता कि शिल्पा आपका ये मास्टर स्ट्रोक है, आप विवेन को भी यूज करना चाहती है और करणवीर को भी, और आपको पता है कि घर में ये दोनों कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि शिल्पा जी आप सबसे बड़ी मास्टरमाइंड हैं। मुझे लगता है कि विवेन और करणवीर तो फिर भी उतना अच्छा गेम नहीं खेल रहे हैं जितना अच्छा गेम वाकई में बिग बॉस के घर में आपने खेला है करण और विवेन को यूज करके। जिसके बाद शिल्पा ने जवाब दिया, मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फराह, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो दोनों के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता निभाती हूं लेकिन लोग ही हैं जो मुझे गलत समझ लेते हैं। कई बार विवेन को भी भड़का दिया जाता है और कई बार करणवीर के भी कान भर दिए जाते हैं मेरे खिलाफ। बाकी मैंने हमेशा से ही दोनों को सेम नजरिए से देखा है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। एक बार फिर अपनी बातों में फंस गई है शिल्पा। लेकिन शिल्पा जी कहां मानने वाली है, ये तो डिप्लोमेटिक है ना, शिल्पा जी तो कभी बात तो मानेंगी नहीं। तो शिल्पा जी ने आज एक बार फिर सलमान खान के बाद अब फराह खान के सामने भी उसी बात का गाना गाना शुरू कर दिया है कि दोनों मेरे करण अर्जुन हैं और मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो धरती का सीना चीर कर आएंगे, आसमान को फाड़ कर आएंगे, लेकिन ट्रॉफी तो मैं लेकर जाऊंगी, करणवीर को नहीं दूंगी। और यही गेम है शिल्पा जी का जिसको एक्सपोज कर दिया है फराह खान ने इस बार वीकेंड के वार पे। वैसे मैं आपको बता दूं, फराह खान ने एक एक करके सभी को एक्सपोज किया है। फराह ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो रजत दलाल हो, ईशा सिंह अविनाश का रिश्ता हो या फिर विवेन डिसेना किस तरीके से अपने आप को यूज करवा रहे हैं। विवेन को फराह खान ने कहा कि विवेन इस समय मुझे लग रहा है कि तुम चाटुगिरी कर रहे हो अविनाश और ईशा की, तुम में लीडरशिप क्वालिटी है लेकिन वो विवेन अब नजर नहीं आ रहा है। विवेन तुम्हारी दोस्ती कितनी अच्छी थी जब तुम और करणवीर आए थे शो में, तो तुम्हें कितना लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा गेम बहुत ज्यादा, तुम्हारा ग्राफ बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा है। करणवीर तो आज के डेट में रूल कर रहा है लेकिन विवेन आप खो चुके हो। मुझे लगता है कि आप रिश्तों में खो गए हो, आप रिश्तों में बंध गए हो। ये कैसा रिश्ता है विवेन जो तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहा, जो तुम्हें पीछे ढकेल रहा है? अगर ऐसे रिश्तों में अगर तुम बंधे रहे तो मुझे ये कहना गलत नहीं है विवेन कि तुम टॉप 5 के रेस से भी बाहर हो जाओगे। कुछ दिन पहले की बात है कि तुम विनर की कैटेगरी में थे, टॉप 2 में थे, लेकिन अब तुम टॉप 3 में आ गए हो। फराह खान ने आंखें खोल दी है विवेन डिसेना की। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये वीकेंड के वार के बाद ना, मार्क माय वर्ड, विवेन के, अविनाश के, ईशा के रिश्ते वैसे नहीं रहेंगे जैसा कि पहले थे, क्योंकि फराह खान ने आंखें खोल दी है ना। विवेन डिसेना को जो लग रहा था कि वो इन तीनों को लेकर साथ में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो खुद फराह ने बता दिया है कि देखो विवेन, इन दोनों को लेकर तो तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि विवेन के खिलाफ अविनाश भी और ईशा भी दोनों ही चुगलियां करते हैं और दोनों चाहते हैं कि वो एक बार को विवेन को भी खंजर भोग देंगे अगर उनको मौका मिला तो ट्रॉफी जीतने के लिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब आने वाले दिनों में एक अच्छी दोस्ती देखने को मिल सकती है विवेन और करणवीर के बीच में, क्योंकि करणवीर और विवेन के बीच में सॉल्व करवा दिया है वो लड़ाई
वो लड़ाई वो झगड़े जो है वो अब खत्म करा दिए हैं। फारा खान ने जो रिश्तों में दरार आ रही थी उसको भी कम करने की कोशिश की है। फारा खान ने कहा कि करण जो है वो हमेशा ही विवेक तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। करण ने कहा कि फारा जी मैंने तो कभी भी विवेक को कुछ भी नहीं कहा, विवेक ही है जो मेरे बारे में बहुत सारी उठ पटांग हरकतें करता है, उठ पटांग बातें बोलता है। और फारा खान ने यहां पर भी करणवीर का साथ दिया है और ये कहा कि वाकई में विवेक तुम्हारे पीठ पीछे आज भी करणवीर ने कभी चुगलियां नहीं की, लेकिन तुम उसे क्या बुलाते हो, तुम उसे बुलाते हो मिट्टी का तेल। जो तुम्हारा घर में सबसे अच्छा दोस्त बन सकता था तुमने उसी को दुश्मन बना लिया है। तो विवेक डिसेना की आंखें खोली है फारा खान ने। अब गाइस सुनिधि चौहान आ चुकी हैं वीकेंड के वार पे और सुनिधि चौहान ने आते ही कहा यहां पर वो कौन सा रिश्ता है जो अब खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए एक टास्क दिया जाएगा, ये टास्क होगा बहुत ही स्पेशल टास्क। यहां पर कंटेस्टेंट आएंगे और उन दो लोगों के बीच में दूसरा कंटेस्टेंट बताएगा कि कौन सा वो रिश्ता है जिसे अब खत्म हो जाना चाहिए, उसे अब कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर आता है विवेन डिसेना और शिल्पा शिरोडकर का और कैंची चलाने आती है चाहत पांडे। चाहत पांडे ने कहा कि मुझे लगता है कि शिल्पा और विवेन डिसेना का जो रिश्ता है वो फेक है, शिल्पा जी विवेन को यूज कर रही हैं और शायद ये बातें विवेन नहीं समझ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता जो है वो अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ काम के लिए यूज किया जा रहा है, गेम के लिए यूज किया जा रहा है, एक दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे रिश्तों को खत्म किया जाए वही बेहतर है, क्योंकि शिल्पा जी विवेन और करण दोनों को लेकर चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि मैम, मुझे लगता है सुनिधि मैम कि अगर आप दो नाव में सवार होगे तो नाव तो डूबेगी ना। और यही बात कहते हुए कैंची चला दी है चाहत पांडे ने और चाहत पांडे ने यहां पर यह कह दिया कि विवेन को अब शिल्पा से निकलकर आगे गेम खेलने की जरूरत है। दूसरे पोजीशन पर एक बार फिर शिल्पा को रखा गया और करणवीर को लेकर आया गया और यहां पर बुलाया गया दिग्विजय सिंह राठी को। और दिग्विजय जो कि करणवीर के बहुत ही अच्छे दोस्त है, शिल्पा के बहुत ही अच्छे दोस्त है। शिल्पा, करणवीर, दिग्विजय सिंह राठी, चुम, ये एक ही ग्रुप में बैठते हैं। लेकिन दिग्विजय ने कहा मुझे लगता है कि अगर ये गेम जीतेगा, करण मेरा भाई जो मेरा दोस्त है, तो वो अपनी वजह से जीतेगा, अपनी गेम की वजह से जीतेगा, और अगर हारेगा तो वो शिल्पा की वजह से, क्योंकि वो शिल्पा के रिश्तों में इतना खो गया है कि वो कई बार भटक जा रहा है। और मैं करण तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई इस रिश्तों से निकलो और अपने गेम को, जैसा तुम्हारा गेम और भी ज्यादा बेटर हो सकता है, तुम बेटर बनाने की कोशिश करो। तो दिग्विजय सिंह राठी ने अपनी दोस्ती प्रूफ की है और वाकई में मैं आपको बता दूं, दिग्विजय ने ये बातें बोली है, ये जनता भी चाहती है कि करणवीर और विवेन ये दोनों अब शिल्पा रिश्तों से निकले और जो इनकी दोस्ती थी पहले वैसी दोस्ती ये निभाए। जो दोस्ती की बात विवेन करते हैं कि हमारी 12 साल की दोस्ती है, वो दोस्ती अब दिखाने का वक्त आ गया है। तो सुनिधि चौहान ने आकर एक एक के रिश्ते खोले हैं, साथ ही साथ श्रुतिका और चुम को खड़ा किया और यहां पर रजत दलाल को बुलाया गया और रजत ने कहा कि मुझे लगता है कि श्रुतिका और चुम का रिश्ता जो है वो जो दोस्ती का रिश्ता है उसे अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी दोस्ती नजर नहीं आती है, सिर्फ नॉमिनेशन का डर मुझे नजर आता है। इसके साथ साथ करणवीर को बुलाया गया और सामने थे अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह। करणवीर ने कहा कि ये रिश्ता पूरी तरह से फेक है, ये वो रिश्ता है जो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के घर तक सीमित है, ना ही ईशा और ना ही अविनाश। दोनों में से अविनाश वैसे तो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन अविनाश अपना विनाश कर रहा है ईशा के चक्कर में, क्योंकि ईशा उसे यूज कर रही है गेम के लिए। तो यहां पर रियलिटी चेक दिया है करणवीर मेहरा ने अविनाश मिश्रा को कि अब अविनाश मिश्रा जो है वो ईशा से दूरियां बना ले तो उसके लिए बेस्ट होगा। तो गाइस ये था जो कि वीकेंड के वार पर रिश्ते जो है वो अब तार तार होने वाले हैं और अब वो समीकरण बदलने वाला है जो पहले था, यानी कि अब नए रिश्तों की शुरुआत होगी और कुछ पुराने रिश्ते जो है वो खत्म भी हो जाएंगे बिग बॉस के घर में, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है बहुत सारे लोग का सच सामने आ गया है कि कैसे बिग बॉस के घर में आगे जाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या आप भी मानते हैं कि जी हाँ शिल्पा जी विवेन और करणवीर दोनों को धोखा दे रही है, आप दोनों को ही इनसे निकल कर अपने आप में एक दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि कोई तीसरा आग ना लगा पाए। मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।